पर अब इस टूर्नामेंट में कैचेस ड्रॉप भी बड़े हुए, क्या कहेंगे मेन रीजन क्या हो सकती है कैचेस के ड्रॉप होने? कैच ड्रॉप होने बेसिक रीजन यही है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस आपने, और सारे कैच जो ड्रॉप हुए वो फ्लैट नहीं हुए, हाई कैच ड्रॉप है, और बाउंड्री के आस पास खासतौर मिड विकेट स्क्वायर लेग एरिया में या थर्ड मैन एरिया में कोई कैच आया और वो लेट जज हुआ या आप पोजीशन पे नहीं आ पाए क्लियर, तो जो भी जितना बोले ये वाले कैच जो होते हैं ना ये ज्यादातर प्रैक्टिस कम होने की वजह से ड्रॉप होते हैं। तो बाकी ये कि हर प्रोफेशनल तो है, तो आपको अगर प्रैक्टिस ये चीज की भी बतानी पड़ेगी करनी पड़ेगी। तो तनवीर अगर लिस्ट पे आप नजर डालें, जेसन रॉय सबसे ज्यादा कैचेस उन्होंने लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से 10 मैचों में 12 कैच, और उसके अलावा फहीम अशरफ के 9 हैं, साइम अयूब ने 9 कैचेस लिए, फिर शादाब खान कल के मैच में जो 4 कैचेस लिए तो उनके कैचेस की तादाद 8 हो गई। क्या देखते हैं इन फील्डर्स को देखते हुए जिनमें पाकिस्तानी फहीम अशरफ, साइम अयूब, इरफान खान नियाजी जो कराची किंग से खेले, इसके बारे में क्या राय? कैचेज इससे ज्यादा भी हो सकते थे, छोटे भी इतने ज्यादा, पता नहीं 40 कैचेज तो छोटे 40 से ज्यादा, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा भी तादाद हो सकती थी। जैसन रॉय ने सिर्फ कैचिंग पे टॉप किया है, बॉलिंग में तो सॉरी बैटिंग में तो कुछ नहीं किया, बैटिंग में सिर्फ वो गुस्से ही करते रहे कि मतलब रन्स क्यों नहीं हो रहे। तो स्टैंडर्ड जो था फील्डिंग का बहुत पुअर था, इतना पुअर स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगता मैंने कहीं देखा हो कि सीधे सीधे कैच आपके छूट रहे हैं, एक मतलब बेसिक थी, आप आराम से बॉल के नीचे आए। मैंने अपने पाकिस्तान के लड़कों को, चाहे वो पाकिस्तान टीम में हो खेल रहे हो या PSL खेल रहे हो या इवन डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने लड़कों के ऊपर जिस तरीके से ये बॉल के नीचे आते हैं, ये बॉडी हिलाते हैं अपनी, ये बॉल के पीछे जा रहे होते हैं, बॉल के भागते हैं, ये डर रहे होते हैं पता नहीं गिर जाएगी बॉल। फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद है ना खिलाड़ियों के? नहीं, फील्डिंग तो हमारा प्रॉब्लम अभी से नहीं है, वो तो जब से पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हुई है कभी जिंदगी में हमारी फील्डिंग ठीक ही नहीं है। तो भाई आप दूसरों को देखो, उनके सिर्फ हाथ चलते हैं, ठीक है ना, उनके हाथ चलते हैं, हम बॉडियां चलाते हैं। आप स्लिप में देख लें, जब हम स्लिप में खड़े होते हैं दूसरों के पास जब बॉल जाती है सिर्फ अपने हाथ मूव करते हैं, हम लोग बॉडी मूव करते हैं, गेंद को खाने के लिए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमसे कैचेस छूटते हैं। लेकिन खुर्रम आप एज अ बैट्समैन कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट में, छक्के भी लगे, और चूंकि असल क्रिकेट का हुस्न T20 क्रिकेट का यही है कि छक्के चौके तमाशाई देखने को आए, अगर ऐसी पिचेज होंगी कि जिन पर बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे तो मजा नहीं आता, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा लगाए, अगर आप नजर डालें साइम अयूब ने, और साइम अयूब ने 12 मैचों में 21 छक्के लगाए, आप अंदाजा लगाएं कि 21 छक्के, और फिर उसके बाद दूसरे वैन डूसन जो 16 के साथ दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर फिर पोलार्ड है 15, सऊद शकील 15, रिजवान 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइम अयूब ने डोमिनेट किया है बॉलर्स को। नो डाउट, उसके नेचर भी यही है, प्ले ऑफ नेचर ही वो डोमिनेट करता है, और वो उसकी एक, मैंने उसके काफ़ी टाइम से मैं ओपनिंग प्लेयर खेल रहा हूँ डोमेस्टिक में, उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना, वो बोलता है खुर्रम भाई जो बैट बॉल है ना बाउंड्री वाली बॉल उसको मारना है, ये उसमें वो आउट भी होता है कई दफा, उसकी ये अच्छी चीज है, यानी कि फेयरलेस है पहली बात, दूसरी चीज ये जो बैट बॉल है उसको कन्वर्ट करना है बाउंड्री में, अच्छी बॉल ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देंगे, ऐसे प्लेयर की सिलेक्शन या ऐसे प्लेयर को काफी टाइम के बाद देखने में आया जो इतना अच्छा फेयरलेस खेल रहा है। आप समझते हैं साइम अयूब ने अपना केस स्ट्रॉन्ग किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए एज एन ओपनर, एज एन ओपनर की बात कर रहा हूं। मैंने तो लास्ट शो में ही बात की थी कि जितना टैलेंट उसके अंदर है, अगर वो अपने टैलेंट के साथ ज्यादती नहीं करेगा, वो परमानेंट मेंबर होगा पाकिस्तान टीम का, और वो उस टाइम बाहर होगा, या वो इंजरी से कभी बाहर होगा, या जब रिटायर होना, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, 10-15 साल क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है, और पहले भी मैंने एक चीज बोली थी कि बाबर आजम के बाद ये वाहिद ऐसा प्लेयर है या टैलेंटेड प्लेयर है जो आपको एक नेचुरल टैलेंट मिला है, और आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में है ही क्रिकेट, आपकी बैट बॉल जो आप उसको जाने मारते हैं छोड़ते नहीं है, और ये इसमें क्वालिटी है। खुर्रम एक और चीज, इसने बॉलिंग में भी लोगों को इम्प्रेस किया है, जिस तरीके से पावर प्ले में बॉलिंग करना 6 ओवर में, इसमें क्रेडिट बाबर को देना पड़ेगा, बाबर ने उससे करवाई, लेकिन वो एतमाद पे पूरा उतरा। साइम नेट में बॉल करता है, वो करता है शौक में, सीरियस बॉल नहीं करता, लेकिन मगर यहाँ पे इस एडिशन में जिस तरह बाबर ने उससे बॉलिंग करवाई, वो लग रहा था उसको स्पेशल रोल दिया हुआ कि भाई आपको हमने सर्किल में बॉल कराना है, क्योंकि आपका कैरम बॉल जो है वो बड़ा इफेक्टिव होगा, क्योंकि नए बॉल पे कभी कभी गेंद स्किड भी हो जाता है, तो जहाँ पे पिच उसको सपोर्ट करी थी वहां गेंद ग्रिप होकर बाहर भी निकला, जिस तरह आपको याद होगा हेल्स को उसने बोल्ड किया था, वो गया नया बॉल, दूसरा बॉल गेंद पिच के ऐसा लगा जैसे कोई 17वें ओवर का बॉल था और गेंद ग्रिप हुआ प्रॉपर, तो ये क्रेडिट उसको भी जाता है, और फिर साइम अब उस चीज पे काम भी कर रहा होगा। एक चीज में और ऐड करूंगा,
अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि उसको पाकिस्तान टीम में नया बॉल मिलेगा, वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बैट्समैन ही समझ सकता है कि साहिम अय्यूब क्या बॉल कर रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है सर्किल में। अगर शाहीन कप्तान रहेगा वो तो उसकी तो सोच डिफरेंट होगी, वो तो बोलेगा फास्ट बॉलर्स के साथ जाओ। अच्छा, चौकों में भी अगर देखें तो साहिम अय्यूब ने सबसे ज्यादा चौके लगाए, 27 चौके आप देखें, और फिर उसके बाद 25 चौके जो है वैन डूसन के, और नहीं लेकिन फिर अगर आप देखें 31 चौके सऊद शकील ने लगाए, सबसे ज्यादा 32 मनरो के हैं। इसमें साहिम अय्यूब और वैंडर डूसन जो हमें नजर आ रहे हैं टॉप में, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है T20 के छक्के मारने वाले प्लेयर, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद जो नए लड़के हैं जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, सेंसिबल खेलते हैं, वो सीख सकते हैं कि हम भी छक्के मार सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एक पावर हिटर हो वही, देखें ये पोलार्ड वगैरह तो उसमें नो डाउट ये तो है ही पावर हिटर, लेकिन खुर्रम असर चीज सऊद शकील का है। सऊद शकील मैं इसी आने लगा था कि मेन जो चीज है ना, उनको तो कह रहा था वो टेस्ट के बैट्समैन है, सऊद शकील आगा सलमान, ये दोनों को नहीं और ये दोनों को अंडररेट किया जाता था कि नहीं जी ये शॉर्ट फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है, वाइड बॉल के नहीं है, और दोनों ने प्रूफ किया अपनी परफॉर्मेंस से। तो कभी भी किसी पर टैग नहीं लगाना चाहिए जब तक एटलीस्ट आप वो देख लें कि नहीं यार ये एक्सपोज हो गया, तो ये उनकी परफॉर्मेंसेज हैं जो सामने आई हुई।